बैक टू माय चैनल पिंकीज कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ छोले की रेसिपी। छोले तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन आज मैं झुंक वाला छोले बनाऊंगी जो कि बहुत ही टेस्ट लगता है। आप एक बार मेरे तरीके से बना के देखिएगा कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। और मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन को चूज कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं छोले ले ली हूँ और छोले को मैं पहले से ही उबाल ली थी और ये देखिए उबल गया है था ये, तो ये से इससे पानी निकल के मैं इस तरह रख दी हूँ। और पानी को भी फेंकिएगा नहीं क्योंकि बाद में हमें इसे यूज करेंगे। तो ये देखिए इसको अब इसी तरह हम चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं कढ़ाई बैठा ली हूँ, कढ़ाई में मैं यहाँ पर तेल दे दी हूँ 2-3 चम्मच और यहाँ पर मैं जीरा डाल दी हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे एक दालचीनी और एक लौंग और एक इलायची को मैं कूट ली थी और इसे डाल दी हूँ। फिर हमें इसमें डालूँगी प्याज और प्याज को इस तरह देखिए डालने के बाद इसे थोड़ी देर भूनना है हमें। बस प्याज को थोड़ी देर भुनने के बाद 2-3 मिनट के बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक और लहसुन को इस तरह कूट ली हूँ मैं। आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और फिर ये देखिए अदरक लहसुन को भी साइड करके थोड़ा सा भून ले रही हूँ, आप मिला लीजिएगा भी कोई बात नहीं। मैं 2 मिनट इसे इस तरह भूनने के बाद फिर मैं इसमें मिला के फिर भून लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज और अदरक अच्छे से मैं हो गया था। फिर मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ और इसे हम मिला लेंगे इस प्याज के साथ लहसुन के साथ ताकि कलर अच्छा आ जाए। तो इसलिए मैं पहले डाल दी हूँ हल्दी और लाल मिर्च को। अब इसको हम इस तरह भून लेने के बाद टमाटर को इसमें डाल देंगे। आप यहाँ पर टमाटर का प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर टमाटर को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट ली हूँ और यहाँ पर मैं 2 टमाटर ली हूँ। और ये देखिए यहाँ पर फिर हम इसे इस तरह मिला लेंगे और इसे थोड़ी देर टमाटर को अच्छे से पकने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो हम डाल क्योंकि हमने डाला था चने जब हम पकाए थे तो चने के साथ भी हम नमक डाले थे, उसी हिसाब से आप नमक डालिएगा। तो यहाँ पर मैं सारे सब्जी के लिए ही पूरा नमक डाल दी हूँ और यहाँ पर इसे मिला लेते हैं टमाटर को बस। फिर हम इसे इस तरह थोड़ी देर भूनने के बाद ये देखिए टमाटर मेरा अब अच्छे से पक के रेडी हो गया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ खड़े मसाले और यहाँ पर देखिए मैं ले रही हूँ सूखे मसाले। तो इसमें ली हूँ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, फिर मैं ली हूँ इसमें गरम मसाला ली हूँ। तो गरम मसाला ये देखिए ऐसे भी मैं डाल दूँगी और कोई भी पनीर मसाला हो तो सॉरी छोले मसाला हो तो छोले मसाला भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर सारे जब मसाला डालने के बाद हम इसे यहाँ पर देखिए मैं ले रही हूँ कस्तूरी मेथी जिसे मैं इस तरह अच्छे से हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ ताकि फ्लेवर उसका अच्छा सा आ जाए। फिर हम इसे सारी चीज़ों को मिला लेंगे अच्छे से और फिर हम इसे पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी दे दूँगी ताकि इसे अच्छे से ये पक जाए, थोड़ा मसाला भी मसाला जले ना इसीलिए थोड़ा सा पानी बस दी हूँ। अब 2-3 मिनट बस इसे पका लेंगे। तो ये देखिए 2-3 मिनट पकाने के बाद ये मेरा हो गया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी छोले को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर छोले डालने के बाद हमें इसे इस तरह मिला लेंगे और फिर चम्मच ले लूँगी। चम्मच से अच्छे से हम ये छोले को अच्छे से थोड़ा दबा लेंगे, सारे छोले नहीं बस कुछ ही छोले हम बस दबा लेंगे ताकि जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो थोड़ा वो गाढ़ा बने। तो ये स्टेप थोड़ा आप कर लीजिएगा, ग्रेवी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो फिर ये देखिए इस तरह कुछ मैं कर ली हूँ मास और फिर इसे मिला लेंगे हम और थोड़ा सा पानी देके बस इसे थोड़ी देर पका लेंगे, मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा छोला। फिर हमें इसमें पानी दें तो इसे ढक के हम थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो 5 मिनट में पका ली थी, फिर 5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं मतलब पानी हमारा सारा इसमें ऑब्जर्व कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे जितना हमें पानी चाहिए सब्जी के लिए, आपको जितना चाहिए आप उतना पानी ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 ग्लास पानी दे दी हूँ, पूरा ढक लीजिएगा इसे, पूरा ढक के हम पकाएंगे। और एक उबाल आने के बाद ये देखिए मैं यहाँ पर ली हूँ ये जो चाय पत्ती
और ली थी जो मैंगो वाला आता है ड्राई मैंगो, जिसे सुखा के बनाते हैं नमक नमक के साथ, वही था जिसे मैं 30 मिनट पहले से ही भिगा ली थी। तो ये अच्छे से भीग गया है और चाय पत्ती भी। अब चाय पत्ती को चाहो तो एक उबाल भी सकते हो, लेकिन मैं भिगा ली थी 30 मिनट्स पहले ही। और ये अच्छे से ये जो आम को इसे अच्छे से इसमें मास कर ली हूँ। अब हम इसी पानी को इसमें डाल देंगे तो ग्रेवी का कलर थोड़ा अच्छा आ जाएगा और इसका फ्लेवर भी अच्छा लगेगा चाय पत्ती डालने से। आप इस एक बार इस प्रकार जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर ये देखिए यहाँ पर हम इसे फिर ढक के छोड़ देंगे पकने के लिए इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर पकने के बाद ये देखिए पानी थोड़ा सा कम हो गया है और अच्छे से हमारा बनके रेडी हो गया है छोले की रेसिपी। तो ये देखिए कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया का पत्ता डाल देंगे और इसे हम ढक के रख देंगे ताकि अच्छे से थोड़ा सा इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। फिर चलिए हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब हम छूंक देंगे, तो छूंक लेने के लिए लगाने के लिए हमें यहाँ पर ले ली हूँ पैन और यहाँ पर दे देंगे हम तेल। मैं सरसों का तेल यूज़ की हूँ। अगर आप सरसों का तेल यूज़ नहीं कर सकते हो तो फिर आपको जो भी तेल पसंद हो आप डाल लीजिएगा। फिर मैं राई डाल के यहाँ पर अदरक थोड़ा सा कूट के रखी थी उसे डाल दी। ले ली हूँ दो हरी मिर्ची को और गैस में बंद कर दी हूँ। अब इसी में ही यह हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जो कस्तूरी मेथी होता है उसे थोड़ा क्रश करके इसमें डाल देंगे। और ये आप गैस बंद करके ही करना, नहीं तो जल जाएगा कस्तूरी मेथी। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च। यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ की हूँ ताकि कलर और अच्छा सा आ जाएगा। तो फिर आप इसे इस तरह मिला लेने के बाद यहाँ पर देखिए छोले में हम डाल देंगे इसको और अच्छे से मिला लेंगे छोले के साथ। ये देखिए इस प्रकार हमें डालने के बाद इसे मिला लेना है और इसे हम ढक के 2-3 मिनट के लिए रख लेंगे। फिर हम इसे सर्व करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा सा ग्रेवी हमारा बनके रेडी हो गया है और पानी भी अच्छे से सूख गया है, अच्छे से थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा हरे धनिया का पत्ता और गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ और यहाँ पर एक हरी मिर्ची को भी इस तरह चीरा लगा के इसमें रख। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरे स्टाइल की ये छोले की रेसिपी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।